हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एमी ग्रेजुएशन। हर एक एमी स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो हम मॉड्यूल नहीं निकाल पा रहे, हमें जॉब नहीं मिल रही फील्ड में, तो हमारे पास एक बैकअप तो होना चाहिए, जैसे एज ए डिग्री, डिग्री की तरह एज ए बैकअप हो, जिससे कि हम अगर जॉब नहीं पाते हैं तो हम कहीं और अप्लाई कर सकें, एमी फील्ड को छोड़कर जा सकें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के हम एलिजिबल हों। लेकिन हमारे पास किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं होती, सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है। तो लाइक एज ए सी ऑफ सी हो गया, सी ऑफ आर हो गया, तो हम बस एमी फील्ड में ही जॉब कर सकते हैं, वहां पर एमी इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन अगर ये डिग्री हो जाए और जो अभी ट्वीट में हम बात करेंगे, अगर ये खबर बिल्कुल सही है तो बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर एक इंफॉर्मेटिव न्यूज आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लास्ट डे आप सभी ने ट्वीट जरूर पढ़ा होगा, और इस ट्वीट से रिलेटेड बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कितना हद तक ये ट्वीट सही है, तो इस पर अब बात करने चल रहे हैं। ट्वीट ये है कि आवर मिशन मूव वन स्टेप फर्दर, डीजीसीए कैटेगराइज एमी एज ए बीएससी कोर्स ऑन देयर परीक्षा पोर्टल। DGCA may accept ME certificate as equivalent to BSc for their vacancies. Wait for official circular from DGCA or notification from HRD ministry regarding this. तो मैंने भी अपना सबसे पहले परीक्षा पोर्टल ओपन किया कि देखूं क्या कितने हद तक सही बात है। जब परीक्षा पोर्टल मैं ओपन करता हूं तो वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है कि ऐसा हो और कुछ टाइम बाद वो अपडेट हो, लेकिन जब मैंने भी बात किया कुछ फील्ड के स्टूडेंट से, तो उन्होंने बताया कि 2010, जो कि बहुत पहले के स्टूडेंट थे, उन समय किसी में कईयों में जो है एमी एज ए ग्रेजुएशन जो है सो हो रहा, बीएससी एमी जो है एक ग्रेजुएशन की तरह वहां पर सो हो रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट स्टूडेंट है 145 वाले, सीरीज पार्ट 8 वाले स्टूडेंट, उनमें अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है, और मे बी कुछ टाइम बाद अपडेट हो। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है वो है 147 स्टूडेंट के लिए कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि जितने भी 145 वाले थे, सीरीज पार्ट 8 वाले थे, इन सबका तो कोर्स 3 ईयर का था। अब 3 ईयर पर डिग्री मिलती है तो बात समझ में आती है, और 2 ईयर में कैसे डिग्री डीजीसीए में देगा, ये बात बहुत ज्यादा सोचने वाली है। 2 ईयर को ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं तो डिप्लोमा दे सकता है, जो कि इतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि हमें तो डिग्री करनी ही होगी कहीं ना कहीं फिर से अलग जगह से। तो ये जो यूजफुल होगा स्पेशली श्री जी पार्ट 8 स्टूडेंट के लिए होगा, ना कि 147 के लिए होना है। मे बी डीजीसीए कुछ ऐसा भी करे कि 2 ईयर के कोर्स को भी एज ए डिग्री मान ले, लेकिन ऐसा हो तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। बहुत ज्यादा तो हमें डिप्लोमा ही शायद वो दे, और दे या ना भी दे ये तो हमें तभी समझ में आएगा जब अपने परीक्षा पोर्टल पर अपडेट करेगा। तो स्पेशली इस ट्वीट के बारे में मुझसे बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या है क्या सही। मैं सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं, कुछ बताते हैं स्टूडेंट को कि कितने हद तक ये बात सही है। तो जो भी मिलेगा तो ज्यादा चांसेस यही है कि सीरीज पार्ट 8 स्टूडेंट को 145 को मिल सकता है, क्योंकि उनका 3 ईयर का कोर्स है। लेकिन 147 को मिलेगा थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, मुझे जो मेरी थिंकिंग है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि 2 ईयर का कोर्स को कैसे कोई ग्रेजुएशन बदल सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो यार लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल पर अगर नए हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।